जरी जंगलात की कटाई का दिन डिवीजन ऑफ सर्विकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्रीज कोस्ट कश्मीर पनिहामा गांधरबल कैंपस में मनाया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी स्कॉच कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई जबकि डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर टी एच मसूदी मोजज़ मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर हारून नाइक डायरेक्टर प्लानिंग, डॉक्टर एच मुगल एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च, प्रोफेसर एस ए गांगू डीन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री और यूनिवर्सिटी के एच ओडीज साइंसदान और तालिब इल्म भी मौजूद रहे। डॉक्टर जी एम भट्ट ने मुख्तलिफ खतों के मखसूस मॉडल्स पर रोशनी डाली जो EICRPAF के जरिए तैयार करदा इनेताज शुदा ज़मीनों पर तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2019 में उन्होंने 5 कस्म के मुख्तलिफ फलों के दरख्त लगाए जिनकी बका की शरह चंद फीसदी थी और सिर्फ 34 साल में ही उन्होंने इससे 1.0 लाख से ज़्यादा की आमदनी हासिल की है। उन्होंने मजीद कहा कि डिवीजन के तमाम साइंसदान किसान बरादरी के फ़ायदे के लिए अंतक मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा उन्होंने रेवेन्यू पैदा करने वाले मॉडल तैयार किए हैं और वो चिनार, खुबानी और अखरोट पर मबनी जरी जंगलात के निज़ाम पर काम कर रहे हैं। पेशे वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की बनिहामा गांधरबल से ये खसूसी रिपोर्ट। सर हमने यहाँ साइंटिस्ट ऐसे साइंटिस्ट काम नहीं, जो मेरे साइंटिस्ट है मैगना है, डॉक्टर नज़ीर पाला है, जो बाकी है सबों ने एज यहाँ लेबर्स की तरह काम किया क्योंकि लेबर्स की शॉर्टेज नहीं। तो सर पर साल हमने फ्रूट 19,000 में खाली बेचा है, इस साल 70,000 में आए हैं, 10,000 में हमने एप्रिकॉट बेचा है। सर इतना ही नहीं, हमने फॉडर सीड इंटरक्रॉप किया था उसको लगाया, पर साल 80,000 में बेचा। सर इतना ही नहीं, हाँ आप जो आप जनाब वाला जब परसाल यहाँ आए आपने डीन साहब डॉक्टर गंगू साहब को बोला था ये ग्रीन कैंपस होना चाहिए। मैंने वही जहन में रखते हुए यहाँ एक इलाका है लगभग फैकल्टी से 3 किलोमीटर दूर हमारे इस जुरिडिक्शन में। सर जैसा कि आप जानते हैं आज आपने यहाँ देखा होगा एग्रो फॉरेस्ट्री हार्वेस्ट डे हमने मनाया। आप जिस फील्ड में आए थे वहाँ हमने 5 किस्म के मेवे लगाए थे जिसमें एप्पल है, पीच है, प्लम है, एप्रिकॉट है, चेरी है और आलमंड है। तो ये बिल्कुल खस्ता ज़मीन थी, बोल्डोर से भरी पड़ी थी, तो इसमें हमने काम किया और इंशाल्लाह 4 साल के बाद हमने इसमें 4 कनाल ज़मीन 1 लाख रुपए में बेचे, इसका मेवा बेचा हमने। तो इस सिलसिले में ऑनरेबल वाइस चांसलर, ऑनरेबल रजिस्ट्रार, डायरेक्टर रिसर्च, एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च, डीन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री और एक जमी गफीर जो अफसरों की थी वो शेर कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर से आई थी। तो इस सिलसिले में जो हमने कड़ी की थी ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री, इतना ही नहीं हमने इसमें यहाँ पर रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल्स भी बनाए हैं जिसमें हमने एलम लगाया है, जिसमें हमने वॉलनट लगाया है, इसके अलावा हमने उसमें स्वीट चेस्टनट भी लगाए हैं। इसके अलावा हम यहाँ क्रिकेट बैट विल्लो की एवेल्यूशन करते हैं जिनको हमने कलोन्स को हमने यहाँ लोकली हमारे पास कलोन्स अवेलेबल है, हमने सोलन से भी कलोन्स लाए हैं, उनको हम इवॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक नेबर हमसाया है रेपूरा जो ग्रेप्स के लिए फेमस है, उन ग्रेप्स को यहाँ उगाया जाता है, उसके लिए हमने सिस्टम बनाया है। और इसके अलावा हमारे पास पॉपुलर जो कॉटन फ्री है उसके बहुत सारे सिस्टम्स हैं। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद था कि आज जो ऑटम सीजन है अब ये शुरू होने वाला है, हमने आज एग्रो फॉरेस्ट्री में जो हमारा प्रोड्यूस है चाहे हमारे बीन्स हमने वो हार्वेस्ट किए, आलमंड हमने हार्वेस्ट किया, फ्रूट की कुछ वैरायटी रेड चिप हमने हार्वेस्ट आज से शुरू की और इसकी इब्तिदा ऑनरेबल वाइस चांसलर के हाथों हुई जैसा कि आप जानते हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे जो भी हमारी बेरोज़गार बरादर भाई घर में बैठे हैं जो भी वो यहाँ आएँ इसका फ़ायदा उठाएँ, जो भी उनको तकनीकी जानकारी प्लांट मटीरियल जो भी उनको चाहिए वो हम 24/7 उनकी खदमत में तैयार रहेंगे और जिस किस्म की जानकारी उनको चाहिए उसके लिए हम तैयार। इतना नहीं हम ट्राइबल सब प्लान के तहत जो पिछड़े लोग हैं चाहे जो ट्राइबल्स हैं खासतौर पहाड़ी लोग हैं उनको भी हम अडॉप्ट करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, एग्रीकल्चर का सीड्स देते हैं और हम उनको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स देते हैं, फॉडर सीड्स देते हैं। इस सिलसिले की कड़ी में इस साल हमने ऊडी टंगडार में एक गाँव है उसको सिलेक्ट किया है और सूंट वाले पार्क को सिलेक्ट किया है।
हम खाली यही चाहते हैं कि जो घरों में बेरोज़गार बंदे बैठे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आए और खुद रोज़गार कमाएं, वो खुद अपने से हुनर में इजाफा करें, वो किसी के वो जॉब प्रोवाइडर्स बने, लेकिन जॉब सीकर्स। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।